जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो सात समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर आ रही है लखनऊ से, लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व मंत्री आजम खां की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खां। उसके बाद कल जब इनका ऑक्सीजन लेवल 90 पहुंच गया तो इनको लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। हम आपको बता दें कि आजम खां लखनऊ जाना नहीं चाहते थे अपने इलाज के लिए। काफ़ी समझाया गया और उसके बाद जब ऑक्सीजन लेवल इनका 90 पहुँच गया तो मजबूरन इनको सीतापुर जेल से लखनऊ मेदांता में शिफ्ट कराया गया था। लेकिन जो हुआ है उस पर दीवारें रोएंगी, दिन और रात रोएंगे, अफसाने रोएंगे, कहानियां रोएंगी। जब से मेदांता हॉस्पिटल में आजम खां को एडमिट कराया गया है जब से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है आजम खां प्रेमियों के लिए, ना ही समाजवादी प्रेमियों के लिए कोई बेहतर खबर आ रही है, क्योंकि हालत आजम खां की स्तर नहीं हो रही है। आजम खां को आज शाम आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद ऑक्सीजन लेवल जब ज़्यादा कम हो गया तो उनको अब आईसीयू यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है आजम खां को, 4 लीटर ऑक्सीजन से अब काम नहीं चल रहा है। ये वक्त है कि सब मतभेद भुलाकर आजम खां के लिए दुआ की जाए और ऐसी उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द आजम खां ठीक होकर वापस लौटेंगे। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।